अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा दिल तो ये चाह रहा है कि मैं आप लोगों को बोलूं गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये सुबह सुबह की कुछ मेरी पहला कप चाय का था। बहुत सुबह का टाइम है, तो ईमान फातिमा के पार्टी थी स्कूल में। बस उसके जो उसका जो ग्रुप है, जो उसकी क्लास है, उसका एंड हो गया है। मतलब वो बिल्कुल लास्ट पे लास्ट डे था, तो सब बच्चों ने मिलके, जैसे सब बच्चों को एक दूसरे के साथ, बस लास्ट डे था क्लास में। इसके बाद उसके पेपर स्टार्ट है सुबह से, मंडे से, सॉरी, पेपर स्टार्ट है उसके। तो 5 डेज पेपर्स होंगे, तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में होगी। तो इस तरह से था, उसके कोर्स का एंड था, तो उसे स्कूल में बहुत जल्दी जल्दी छोड़ना था। और आपने टाइटल जैसे आज देखा है, तो आज मैं आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात कर रही हूँ। ये तो मेरी रूटीन की चीज़ें हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ज़रूर देखिएगा। ख़ास तौर पे हम हाउसवाइफ के लिए इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा सीन पहले मैंने कभी, बिलीव मी, कि अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जो मैंने देखा है। तो मुझे वो आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और ये एक ऐसे जैसे एक मोजज़े के तौर पे हुआ है मेरे साथ। मैं अक्सर ये चीज़ सोचती थी, मेरे जहन के किसी हिस्से में होता था, लेकिन हुआ ये पहली दफ़ा है कि खुद अपनी आंखों से देखा है। कुछ मैंने कैमरे की आंख से भी कोशिश की है कि मैं शूट कर सकूं। तो ये ईमान फातिमा खैर जा रही है सुबह सवेरे स्कूल, इसी को छोड़ने के लिए गए हैं, तो वो सीन देखा है मैंने। तो ईमान फातिमा माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रही थी, और इसके हिस्से में हर जैसे सब बच्चों के हिस्से में कुछ ना कुछ ले जाना था, तो ईमान फातिमा के हिस्से में पिज़्ज़ा था। तो इसे जो है अक्सा आपी ने बना के दिया पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बनाया उन्होंने, बहुत सुबह सुबह उठ के बनाया। थैंक यू, अगर वो मेरी मेरा व्लॉग देख रही हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दो पीस जो है मम्मा डैडी के लिए भी थे, यानी हमारे लिए भी थे। तो ये मैं खाते खाते ही मैंने, मतलब वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके, जो बात मैं आप लोगों से करना चाह रही थी, बैंक बंद थे, सुबह का टाइम था, तो ईमान फातिमा की फ़ीस जानी थी, तो हम बैंक खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। तो यार मैंने ये बताना था आप लोगों को कि बड़ी अजीब चीज़ है कि हम लोग सुनते तो ज़रूर हैं, लेकिन एक बस तसल्ली जैसे हमें होती है ना, कि चीज़ हमारे हाथ में आती है कोई खाने पीने वाली, तो हम समझते हैं कि बस ये साफ़ सुथरी है, कोई नहीं, इतनी क्या इसको, मतलब नीट एंड क्लीन करना या ये वो ना, जैसे फल फ्रूट हो गया, सब्जियां हो गई। तो प्लीज़ सिस्टर, प्लीज़ सिस्टर, जो आज मैंने सीन देखा है ना, उसके बाद बस मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि आज सुबह से मेरा, मतलब किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा। बात ये थी कि मतलब जैसे फ्रूट आता है ना हमारे सामने, तो हम उसे एक हाथ की हाथ में बस धोते हैं और उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, बस हम मुतमिन हो जाते हैं। लेकिन यार बहुत ज़्यादा जो है ना, आप लोग ये देखें, ये सीन था। ये सामने फल की दुकान थी, और इसके अंदर जो है ना वो बिल्लियाँ घुसी हुई थी, और ये बिल्ली आपको एक नज़र भी आ रही होगी साइड पे। तो ये सबसे पॉश इलाका, जिसे आप कहना चाहिए कि खूबसूरत, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, जिसे हम समझते थे या हम समझते हैं, या जहाँ से हम लोग मतलब हर जगह छोड़ के यहाँ पे, यानी कि आके यहाँ से चीज़ ले के खाना जो है पसंद करते हैं, कि चलो मतलब बड़ी मार्केट है, साफ़ सुथरी मार्केट है। लेकिन यार कसम से यार, तो दिल ही टूट गया ना इतना, यानी कि वो गंद कर रहे थे ना, मतलब बिल्लियाँ अंदर जाके, और सामने जो है ना वो सेब और सारे वो पड़े हुए थे ना। प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से धोया करें, प्लीज़ गर्म पानी से धोया करें। ओके।